हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार इंट्राडे स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 10 मार्च 2023 को वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो उससे पहले गाइस, अपने 9 मार्च के जो ट्रेड दिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो एक पहला स्टॉक था अपना सोनाटा सॉफ्टवेयर। क्या बोला था, बाय डिप करना है, 810 पे ही आपको बाय करना है। उसके बाद स्टॉक ने लो भी मारा था 808 का और अभी क्लोजिंग है 818.3 है। तो वो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अभी भी रनिंग में चल रहा है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस भी हुआ नहीं और टारगेट भी नहीं है। दूसरा स्टॉक था अनुप इंजीनियरिंग, 1085 यानी कि बाय ऑन डिप बोला था। उसके बाद स्टॉक में नीचे 1077 का भी लो भी मारा था और अभी क्लोजिंग 1080 के आसपास है, वो भी रनिंग है क्योंकि अपना स्टॉप लॉस था 1070 का जो ट्रिगर नहीं हुआ और अभी भी वो रनिंग में। उसके बाद तीसरा स्टॉक था जाइडस लाइफ साइंस, जो बोला था कि असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देगा तभी बाय करना था, लेकिन वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया और जो अपना स्टॉप लॉस लेवल था उसके नीचे पहले चला गया, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो गया। तो ये तो अपने 9 मार्च का परफॉर्मेंस हो गया। उसके अलावा गाइज, आपको पता होगा आपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम और ट्विटर पे डेनोरा दिया था 911 पे। वो स्टॉक ने आज 1009 का हाई मारा। मंडे को स्टॉक दिया था, तो मंडे दोपहर में दिया था, मंडे को फिर ट्यूजडे को छुट्टी थी, वेनसडे और थर्सडे, 3 दिन में देखोगे तो आपको 10% का रिटर्न यहाँ पे मिलता। तो आपको करना क्या है, लाइव मार्केट में टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन करके रखना है, आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे ट्रेड मिलते रहेंगे। उसके बाद अपने शॉर्ट्स बनाते, उसमें भी एक दिया था कल घी के वायर दिया था, 130 के ऊपर बाय बोला था और अपना टारगेट था 145 से 150 का। तो आज वो स्टॉक ने 151 का हाई भी मारा था। तो आप देखोगे तो आपको सिर्फ 2 दिन में 130 वाला स्टॉक 151 पे अभी क्लोज दिया है, तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है अगर आप इसमें एंट्री लेते। तो गाइज, आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है और जो लेवल बता वो लेवल पे आपको फोकस रखना है। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा, उसमें पहला स्टॉक तो वही रहेगा जाइडस लाइफ साइंस। इसको आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम देख सकते हो जाइडस लाइफ साइंस, स्टॉक का नाम है, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है। कल भी आपको बोला था स्टॉक यहाँ से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है और नीचे से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे डेली चार्ट में, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और आज स्टॉक ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर आपने समझो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर कल स्टॉक आज जो सपोर्ट कैंडल लिया उसका हाई ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी कैंडल बन सकता है और ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो आपको करना क्या है, अभी जाइडस लाइफ साइंस का सीएमपी 468.7 है, तो आपको अभी बाय नहीं करना है, जो सपोर्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक करेगा तभी बाय करेंगे, अगर लो ब्रेक करके नीचे आ गया तो वो अपना इन्वेलर सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो जाइडस लाइफ साइंस को अभी बाय नहीं करना, 476 के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस लगाना 467 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट पहला रहेगा 482, जैसे 482 टारगेट आता है तो आपको क्या करना है, हाफ क्वांटिटी निकाल देनी है और आपको स्टॉप लॉस को कहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट लेके आना है और आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है 476 पे और दूसरा टारगेट 490 का रहेगा। 1 से 3 दिन में ये लेवल आ सकता है, लेकिन कंडीशनल बाइंग रहेगी, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आप कल बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जो आप कल 10 मार्च को बाय कर सकते हो। स्टॉक का नाम रहेगा एचएएल। एचएएल को आपको बाय करना है, यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कट आपको फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, 2 घंटे के कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 घंटे के कैंडल में स्टॉक का नाम है एचएएल, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट पॉसिबल है। आप देखोगे तो इसको क्या बोल सकते हो, पोल बोल सकते हो और पोल के बाद ये क्या हो रहा है, फ्लैग जैसा बन रहा है, स्टॉक डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर ऊपर जाना होगा तो कल ये लेवल ब्रेक करेगा ऊपर की साइड तो बहुत अच्छी रैली ऊपर आ सकती है, अगर पहले नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो एचएएल का अभी सीएमपी कितना है, 2862 के आसपास है, तो आपको स्टॉक को अभी बाय नहीं करना, 2895 के ऊपर ये लेवल जो दिख रहा है आपको उसके ऊपर पहले जाएगा तो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है और 2834 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर कल समझो 2834 के नीचे पहले ट्रेड करना चालू कर देता है तो वो अपना इन्वेलर सेटअप हो जाएगा। अगर कॉल एक्टिव होता है तो आपको पहला टारगेट 3000 और 3100 के टारगेट 1 से 3 दिन में आ सकते हैं, स्टॉक में बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड आ सकती है, लेकिन ये लेवल ब्रेक करना चाहिए तभी ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो अपना दूसरा स्टॉक है जो आपको बाय करना है, लेकिन कंडीशनल बाइंग करनी है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जो आप कल बाय कर सकते हो।
स्टॉक का नाम है यहाँ पे देख सकते हो सिंफनी स्टॉक का नाम है। 2 घंटे के कैंडल के ऊपर अपने क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो सिंफनी स्टॉक का नाम है। बाय करने का रीजन क्या है रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है बाय एंड डिप विद एडीएक्स है। तो स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा था रिजेक्शन ले रहा था ऊपर गया रिजेक्शन लिया फाइनली यहाँ पे क्या किया ब्रेकआउट दिया यानी कि ये सप्लाई जोन था यह क्या हो गया डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया। स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक अभी यहाँ पे फिर से अगर आता तो उसको डिमांड जोन का सपोर्ट मिल सकता है और स्टॉक क्या से ऊपर जा सकता है। तो सिंफनी का अभी सीएमपी कितना है 1153 है और नीचे भी देखोगे तो बाय एंड डिप विद एडीएक्स क्या इंडिकेट करता है जब भी एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है विलियम सर की वैल्यू -80 आती है तो वो स्टॉक का क्या होता है लास्ट स्विंग होता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। और सेम टू सेम यहाँ पे हुआ देखो यहाँ पे विलियम सर की वैल्यू -80 आई थी तो यहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक करके ऊपर गया। तो अभी फिर से यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो एडीएक्स की वैल्यू अभी भी 25 के ऊपर है विलियम सर की वैल्यू -80 यहाँ पे आई थी यहाँ पे भी -80 आई है यानी कि स्टॉक का डबल बॉटम हो सकता है स्टॉक कैसे ऊपर जा सकते हैं और ये आपका डिमांड जोन का लास्ट लेगे वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो सीएमपी 1153 है तो आपको अभी बाय नहीं करना स्टॉक को हल्का सा गिरने देना है 1148 से रेंज में आता है वहां पे आपको बाय करना है और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1134 का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड 1160 और 1175 के 1 से 3 दिन में स्टॉक लेवल दिखा सकता है लेकिन आपको इस स्टॉक को वेट एंड वॉच करना है गिरे तभी बाय करना है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आप कल बाय कर सकते हो। स्टॉक का नाम देख सकते हो टेगा इंडस्ट्री स्टॉक का नाम रहेगा। बाय करने का रीजन क्या है 2 घंटे के कैंडल के ऊपर अपने क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है टेगा इंडस्ट्री। बाय करने का रीजन देखोगे तो रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट है बाय एंड डिप विद एडीएक्स। रेसिस्टम बिकम सपोर्ट यानी कि स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था फाइनली उसने ब्रेकआउट देख के ऊपर गया तो ये क्या हो गया सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया और सेम टू सेम देखो स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया और स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक कल गिरेगा तो क्या होगा उसको डिमांड जोन का यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। नीचे से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे भी सपोर्ट है। अगर कल हल्का सा स्टॉक गिरता है यहाँ पे तो उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा सा गिरेगा तो देखो बाय एंड डिप विद एडीएक्स। एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है अभी विलियम सार की वैल्यू देखो यहाँ पे -80 आई नहीं है -73 है। अगर कल स्टॉक में थोड़ा सा 2-4 रुपीज का गिरावट आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -80 के आसपास आ जाएगी और वो स्टॉक का क्या हो सकता है लास्ट स्विंग हो सकता है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। तो आपको अभी ये स्टॉक में हल्का सा गिरावट पे बाय करना है और यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। तो अभी टेगा का प्राइस कितना है 677 है तो आपको स्टॉक को गिरने देना है 673 में बाय करना है 666 का यानी कि 666 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट देखोगे तो 680 से 690 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है लेकिन आपको गिरावट में बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस सही लेवल पे आएगा। अभी आप बाय करोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आएगा और रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाएगा इसलिए थोड़ा हल्का सा गिरावट पे अपने बाय करेंगे। तो ये अपना चौथा और आखिरी स्टॉक हो गया जो आप कल बाय कर सकते हो लेकिन गिरावट पे बाय करना है। मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बताए 2 स्टॉक ऐसे जो कंडीशनल बाइंग करनी है। पहला स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस दूसरा स्टॉक है एचएल जो आपको ये लेवल ब्रेक करेगा तभी बाय करना है और सिंफनी और टेगा इंडस्ट्री को गिरावट पे बाय करना है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू वेरी मच गाइज बाय टेक केयर कल मिलते हैं नए वीडियो में बाय टेक केयर।